अभी हमारी ज़िंदगी जो है वो पटरी पर आना शुरू ही हुई थी, और एक नया वेरिएंट कोरोना वायरस का जिसका नाम ओमिक्रॉन है उसने दस्तक दे दी पूरी दुनिया में, जिसके बाद पूरे विश्व के जो तमाम देश हैं और चाहे हम भारत की भी बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार निर्देश जारी कर रहा है कि किस तरह से सावधानियाँ बरतनी है, लेकिन हर एक क्षेत्र पर कोरोना के अलग अलग वेरिएंट का बहुत असर रहा, लेकिन अब ओमिक्रॉन जैसे दस्तक दे रहा है तो किस तरह से ये असर जो है वो आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या उनके भविष्य पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी जगह पर नहीं जा रहा था घूमने के लिए, लेकिन अब जो है किस तरह से संकट मंडरा रहा है। मोना जी मेरे साथ है, क्या लगता है कि ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से ज़ख्म दे दिया आपको? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी, अब भी नॉर्मल टाइम स्टार्ट ही हुए थे, पीपल वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि दिसंबर में वो फैमिली के साथ कहीं आउटिंग के लिए जाएंगे, काफ़ी लोगों की ऑलरेडी बुकिंग्स हो रखी है, बट ये न्यू वेरिएंट ने फिर से उनके मन में डर बिठा दिया कि क्या करें, जाएं या कैंसिल करें, किस तरह से आगे रहेगा, किसी को भी प्रॉपर न्यूज़ अभी नहीं आ रही है। बीइंग अ वुमन एंटरप्रेन्योर, ये एक फील्ड को चूज़ करना कि मुझे ट्रेवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में ही काम करना है, तो ये सोच कहाँ से है कि मुझे इसी क्षेत्र में अपना नाम बनाना और अलग पहचान बनानी है? हाँ, बीइंग एंटरप्रेन्योर हम काम करना चाह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं कभी सोचा कि यही फील्ड क्यों लेना है या ये फील्ड क्यों नहीं लेना है। सिंस हमारा ऑफिस मेमोरेबल ट्रिप्स बाहू प्लाजा में, 5 साल से हम टूर्स एंड ट्रैवल्स में हॉलीडे प्लानर्स के लिए एज काम कर रहे हैं, और बीइंग लेडी मुझे लगता है ये बेटर हम लोगों की रिक्वायरमेंट समझ पाते हैं जब फैमिलीज़ हमारे पास आती हैं कि हमारे बच्चों ने फर्स्ट टाइम बाहर जाना है, फॉरेन जाना है, छोटे बच्चे हैं, हनीमूनर्स हैं, प्लीज़ देखिएगा, उनका ध्यान रखिएगा। तो हमारी एक्सपर्टीज़ यही है कि जो बच्चे पहली बारी बाहर जाते हैं, स्पेशली फैमिलीज़ के बगैर या हनीमूनर्स जो जाते हैं, हम कॉन्स्टेंटली उनके साथ इन टच रहते हैं थ्रू आर फोन्स, थ्रू आर व्हाट्सएप 24/7, कि इन केस बाहर की कंट्री में कोई भी उनको प्रॉब्लम आए, वी आर हेयर टू हेल्प, वी आर कनेक्टेड विद देम। मोना जी, जैसे ये लॉकडाउन का लगातार अगर हम कहें तो ये सिलसिला चल रहा था, अभी ज़िंदगी पटरी पर आई थी, तो वो जो लॉकडाउन का समय था आपके लिए वो कितना मुश्किल था, क्योंकि तमाम ऑफिसेज बंद थे, तो वहाँ आप किस तरह से परेशानी का सामना कर रही थी? लॉकडाउन का समय तो मैं कहूँगी सबके लिए ही बड़ा डिफिकल्ट था, और अभी भी है, लॉकडाउन का डर अभी भी मंडरा रहा है। हाँ, टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि कोई भी फ्लाइट्स, कोई भी होटल्स, कोई भी बैंक्वेट, कोई बुकिंग नहीं हुई है, और किस तरह सर्वाइव किया टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री ने, हैट्स ऑफ है जिन्होंने अपने स्टाफ के लिए अपने ऑफिस के रेंट पे किए, बट एज सच टाइम्स आर अगेन कमिंग अप, थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल, वी आर होपिंग, वी आर कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस्ड कि 22 सबके लिए अच्छा रहे, सबके लिए हेल्दी रहे, और टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री भी अपने नॉर्मल। लेकिन ओमिक्रॉन के लिए जिस तरह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात की जा रही है कि साउथ अफ्रीका, मॉरिशियस, सिंगापुर या न्यूजीलैंड की बात करें, तो इन देशों से आप बैन लगा दीजिए ताकि ओमिक्रॉन यहाँ पर दस्तक ना दे, तो आपको लगता है कि ये एक सही फैसला होगा अगर बैन का सहारा लेते हुए उन तमाम लोगों को यहाँ ना लाया जाए कि संक्रमण यहाँ तक ना पहुँचे? देखिए, संक्रमण रोकने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई भी स्टेप लेती है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि ये मेरे बिजनेस को हार्म करेगा तो हम गवर्नमेंट को अपोज करें। ऑलरेडी कुछ 10-12 कंट्रीज़ हैं जिनको लिस्ट में रखा गया है रिस्क की और बैन करा गया है, विच इज़ गुड फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि हमारा बिजनेस नहीं उससे हार्म हो रहा है, बट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ लार्जर सोसाइटी, अगर कुछ गवर्नमेंट स्टेप लेती है कि कैसे कंट्रोल किया जाए, वी आर ऑलवेज सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट। कोई उम्मीद थी जब लॉकडाउन का आगाज़ हुआ कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन आपके लिए टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए कोई पैकेज जो है वो लॉन्च कर दे जिससे आर्थिक तौर पर मदद मिल सके, क्योंकि अगर हम कहें तो बहुत से लोग आपकी इंडस्ट्री के साथ जुड़े, आपने कहा कि जो आपके साथ स्टाफ होता है उनकी सैलरी पे कर पाना मुश्किल था, लेकिन बहुत से लोगों ने दिया है, तो कुछ उम्मीद थी कि कोई पैकेज जो है इनकी तरफ से घोषणा की जाए? जी, उम्मीद तो हर सेक्टर में थी, हर इंडस्ट्री में, और पीछे गवर्नमेंट ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ स्कीम्स प्लान्स आ रहे हैं जिनको हम अभी स्टडी करके देखना चाहेंगे कि हम कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं, बट ओवरऑल लॉकडाउन सबके लिए ही टफ रहा है और सबके लिए मुश्किल रहा है। तो आगे जो लोग आप तक संपर्क करना चाहते हैं कि जो चाहते हैं कि हमें कहीं पहुंचना है, कहीं अलग डेस्टिनेशन देखनी है, तो वो आप तक संपर्क कैसे करें? वो बिल्कुल, हमारे डिजिटल सोशल मीडिया पे भी हम हैं, मेमोरेबल ट्रिप्स के नाम से हमारा पेज भी है, इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी, और बाहू प्लाजा में हमारा ऑफिस है, वो कभी भी कांटेक्ट करके हमें मिलके ऑफिस में या फ़ोन के थ्रू बात करके अपने डेस्टिनेशन के लिए प्लान कर सकते हैं, और 24/7 हमारी सर्विसेज हैं, और कोई भी रीशेड्यूलिंग किसी की तरह की कोई भी हो प्रॉब्लम, वी आर देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट। ठीक है,
साफ तौर पर आपको हम बता दें कि डर तो अभी भी बरकरार है क्योंकि हम कोरोना के उस साए से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक व्यवस्था है जिसको चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे सरकार की व्यवस्था हो या प्राइवेट सेक्टर की व्यवस्था हो, और घर चलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के माध्यम से आपको हम जानकारी दे रहे थे कि एक बार फिर से खतरा तो मंडरा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हौसले अभी भी बुलंद हैं कि हम पीछे नहीं, और हम महिलाएँ हम किसी से डरते नहीं हैं, और हमारे हौसलों को पंख जो है वो लगातार लगते रहेंगे, चाहे ओमिक्रॉन आए, डेल्टा या फिर अल्फा वेरिएंट आए कोरोना वायरस का। आप ही हमारे बने देखते थे न्यूज़ सोचो सुहान की।